हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके चैनल झारखंड डिफेंस जॉब में। जी हां साथियों, आप सभी के लिए एक भर्ती निकल कर आई है। जी हां, दरोगा के 2223 पदों पर फ्रेंड फाइनली विज्ञापन जारी कर दी गई है। तो आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, तो आप सभी को इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं फ्रेंड। इनकी न्यूनतम योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, फिजिकल क्या रहने वाली है, तो आप सभी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। पल पल की अपडेट आप सभी को जॉब से कंटिन्यू वीडियो इस चैनल से मिलती रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, फाइनली बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तरफ से भर्ती जारी कर दी गई है। तो फ्रेंड, ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, भारत के सभी राज्यों के लिए फ्रेंड ये भर्ती निकल कर आई है। ऑल इंडिया के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं वेबसाइट bpsc.nic.in पे, इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी के 2020 के पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर के अवर निरीक्षक के लिए रिक्त पदों के आधारित नियुक्ति हेतु सूचना। जी हाँ फ्रेंड, आप से भी देख सकते हैं ऑनलाइन की जो इनकी प्रारंभ होने की जो तिथि है 16 अगस्त 2020 यानी इस रविवार से स्टार्ट होगी, और इनकी अंतिम तिथि 24 सितंबर 2020 यानी गुरुवार को रखी गई है। तो चलिए एक एक चीज विस्तार से जान लेते हैं। तो फ्रेंड, इनकी जो टोटल जो पदों की संख्या है, सब इंस्पेक्टर के लिए 1998 पोस्ट है, लेवल 6 का ये वेतन है फ्रेंड, और सर्जेंट के लिए 215 पदों पे भर्ती के लिए निकल कर आई है, और ये ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इनमें परीक्षा होगी, ठीक है। परीक्षा में 200 अंक का होगा, 100 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक दो प्रश्न में 2 अंक दिए जाएंगे और 2 घंटा होगा, और जितने भी सीटें हैं यानी 20 गुना मेंस एग्जाम के लिए चुने जाएंगे। इनके बाद इनकी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा के बाद 6 गुना रिजल्ट किया जाएगा, 6 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। प्रत्येक अंक 2 अंक के लिए है, और अंतिम में जो मेंस में है 0.2 अंक काटे जाएंगे पीटी मेंस एग्जाम को लेकर। और मेंस में इनकी पेपर 2 भी है, जो कि 30 नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो फ्रेंड, इनकी जो शैक्षणिक योग्यता है, आप से भी देख सकते हैं अभ्यर्थियों का दिनांक 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य स्तर द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जी हाँ, 1/8/2020 से पहले स्नातक होना कंप्लीट चाहिए। और इनकी जो फ्रेंड आप से भी देख सकते हैं, ये जो गणना की जाएगी 1 जनवरी 2020 से, जनरल के लिए अधिकतम जो उम्र है 37 और न्यूनतम 20 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 और अधिकतम 40, जनरल पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा महिलाओं के लिए 20 और 40, एसटी एससी के लिए आप सभी देख सकते हैं अधिकतम 42 और न्यूनतम 20 रखी गई है। और आप सब ये बात को नोट करेंगे, अन्य राज्यों का आरक्षण कोटि अभ्यर्थियों की गणना जनरल के सीट से आप सभी का फ्रेंड कंपटीशन होने वाली है। यदि आप झारखंड से हैं, बंगाल से हैं, यूपी से हैं, तो आप सभी को जनरल के सीट पे फाइटिंग करनी होगी। और इनकी जो ऊंचाई है, जी हाँ फ्रेंड, इनकी जो ऊंचाई है 1.65 सेंटीमीटर रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए, छात्र के लिए, एसटी एससी के लिए 1.60 और महिलाओं के लिए, एसटी एससी सभी वर्गों के लिए 1.55 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और इनकी जो सीना है फ्रेंड, बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, और एसटी एससी के लिए 79 और 84 रखी गई है। और झारखंड के सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई लगा सकते हैं। इनकी जो दौड़ है 6.5 मिनट में 1 मील पूरी करनी है पुरुषों के लिए, साथ में हाई जंप और लॉन्ग जंप भी है पुरुषों के लिए 4 फीट और महिलाओं के लिए 3 फीट, पुरुषों के लिए 12 फीट लंबी कूद और महिलाओं के लिए 9 फीट, और महिलाओं के लिए जो 6 मिनट में आप सभी को 1 किलोमीटर फिजिकल पूरी करनी है। तो फ्रेंड, आप सभी सीटों का ब्यौरा देख सकते हैं, एसटी एससी ओबीसी आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड, इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, आप सभी को पूरी जानकारी दे दी गई है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड।